मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। मस्जिद अक्सा में इजरायली जारियत, कैनेडियन वजीर आजम का इजहार तशवीश। ट्रूडो की मस्जिद अक्सा पर इजरायली हमले के बाद अमन और कशीदगी में कमी की अपील। ट्रूडो का कहना था कि हमें इजरायली हुकूमत की अपनाई गई रविश पर गहरी तशवीश है। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना। एनवायरनमेंट कनाडा की शहरियों को महतात रहने का मशवरा। एनवायरनमेंट कनाडा की टोरंटो के लिए वार्निंग जारी। कैनेडियन वजीर आजम और अमरीकी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रूडो और बाइडन का रूस में गिरफ्तार अमरीकी सहाफी की रिहाई का मुतालबा। पनाह गुजीनों के मामले पर भी बातचीत की गई। इजरायली पुलिस का मस्जिद अक्सा में एक बार फिर फलस्तीनियों पर हमला। नमाज फजर के लिए आने वालों को भी मस्जिद में दाखिले से रोक दिया। फलस्तीनी नमाजियों पर रबड़ की कोटेड स्टील की गोलियां बरसाई हैं। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में बदतरीन तूफान से मजीद 5 अफराद हलाक। तूफान के 22 हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। दर्जनों अफराद जख्मी। बगोलों से 85 मिलियन अफराद मुतासर हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Shawarma, now serving from 4 locations. कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी मस्जिद अक्सा में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाई को हदफ तनकीद बनाते हुए मुकद्दस मकाम के नवाह में होने वाले तशद्दुद पर तशवीश जाहिर की है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भी मस्जिद अक्सा में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाई को हदफ तनकीद बनाते हुए मुकद्दस मकाम के नवाह में होने वाले तशद्दुद पर तशवीश जाहिर की है। उनका कहना था कि इसराइल को अपने मौकफ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। इसराइली फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए तुलुए आफ्ताब से पहले मस्जिद अक्सा के अहाते में धावा बोल दिया। क़िबला अव्वल की बेहुरमती, नमाजियों पर स्टैंड ग्रेनेड से हमला, आंसू गैस की शेलिंग, इसराइली फोर्सेस ने नमाजियों को धक्के दिए, तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने हिसार में इंतहा पसंद यहूदियों को मस्जिद अक्सा की हदूद में दाखिल किया। तशद्दुद, खवातीन समेत 60 से ज़ायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। 400 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली पुलिस ने निहत्ते नमाजियों पर ग्रेनेड फेंके और आंसू गैस की शेलिंग की, जिससे मुतअद्दिद नमाजियों की हालत गैर हो गई। इसराइली पुलिस के हमले के बाद हमास की अपील पर सैकड़ों फलस्तीनी मर्द और खवातीन
मस्जिद अक्सा पहुंच गए और इजरायली पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। ट्रूडो ने मस्जिद अक्सा पर इजरायली हमले के बाद अमन और कशीदगी में कमी की अपील की। यह वाकया रमजान मुबारक के दौरान पेश आया, जो मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस महीना है और फसह के मौके पर यहूदियों की एक बड़ी तातील है। मस्जिद इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है। जस्टिन ट्रूडो के मुताबिक, करीबी दोस्त होने के नाते हमें इजरायली हुकूमत की अपनाई गई रविश पर गहरी तश्वीश है। इस वक्त इजरायल में जो कुछ हो रहा है उस पर हमें इंतहाई अफसोस है। ट्रूडो का कहना था कि यह रमजान का मुकद्दस महीना है, इस वक्त पास ओवर है और खानदान इजरायली और फलस्तीनी अमन और सलामती के साथ जश्न मनाने और अक्कासी करने के काबिल है। यही वजह है कि हम इजरायल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसकी मजम्मत करते हैं। ट्रूडो का कहना था कि हमें इजरायली हुकूमत को अपने नुक्ता नजर में तब्दीली देखने की जरूरत है और कैनेडा इजरायल के लिए एक अजीज और करीबी और साबित कदम दोस्त के तौर पर कह रहा है। इजरायली हुकूमत जिस सिम्त इख्तियार कर रही है उस पर हमें गहरी तशवीश है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि इजरायली हुकूमत की इश्तियाल अंगेज बयानबाजी पर बहुत तशवीश है। कैनेडा तल अबीब में की जाने वाली अदालती इस लिहाज से मुतालिक भी फिक्रमंद है। उधर व्हाइट हाउस में भी एक बयान में कहा कि इसे यरूशलम की मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में होने वाली झड़पों पर शदीद तशवीश है। अमरीका ने इसराइल और फलस्तीनी दोनों फरीकों पर सबर से काम लेने की जरूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने अखबार नवेशियों को बताया कि मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर हमें बहुत ज्यादा तशवीश है। हम तमाम फरीकों पर जोर देते हैं कि वो सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने से बाज रहे। वाज़ेह रहे कि मस्जिद अक्सा पर इजरायली फौज की हालिया यलगार की आलम इस्लाम की तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, सल्तनत अमान, कुवैत, कतर, पाकिस्तान और दूसरे मुसलमान और अरब ममालिक ने इजरायली फौजी कार्रवाई को सहयोनी फौज की खुली इश्तियाल अंगेजी करार दिया है। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में तूफानी बारिश के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एनवायरमेंट कनाडा ने टोरंटो के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि शहर में शदीद बारिश का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि शहर में 30 और 50 मिलीमीटर के दरमियान बारिश मुमकिन है। वार्निंग में लिखा गया है कि मकामी तौर पर 60 मिलीमीटर की ज्यादा मिकदार उन इलाकों के लिए मुमकिन है जहां मुतादिद गरज चमक के साथ तूफान आते हैं। एनवायरमेंट कनाडा ने मजीद कहा कि मूसलाधार बारिश अक्सर सैलाब का बाइस बनती है और सड़कों पर पानी जमा हो जाता है और नशेबी इलाकों में मकामी सतह पर सैलाब मुमकिन है। एजेंसी ने खबरदार किया कि नशेबी इलाकों में मकामी सतह पर सैलाब का इम्कान है। वार्निंग में लिखा गया है कि मौसम के दीगर अवामिल के साथ मिलकर शदीद बारिश जैसे कि ओले, हवा और आसमानी बिजली बैरूनी सरगर्मियों को गैर महफूज बना देगी। एनवायरमेंट कनाडा ने ड्राइवरों को खबरदार किया कि अगर हद निगाह कम हो जाए तो वो रफ्तार कम करें और टेल लाइट्स पर नजर रखें और रुकने के लिए तैयार रहें। माहौलियात कनाडा ने कहा कि पिंग पोंग बॉल के साइज के ओले और 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा के झोंके मुमकिन है। ओलों की बात करें तो ये सूबे भर में मुख्तलिफ साइज में देखे गए। कुछ इलाकों में गिरे हुए दरख्त और बिजली के तारों के साथ सड़कों पर बिखरे हुए नजर आए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि अमरीकी शहरी रिपोर्टर एवियन ग्रिशकोविच को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उस पर अमरीकी हुकूमत के मफादात में जासूसी करने का शुबा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ग्रिशकोविच की जासूसी की तरदीद की। व्हाइट हाउस ने जासूसी के इल्ज़ाम को, जिसमें 20 साल तक कैद की सजा है, को मज़ाक़ा खेज करार दिया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोन कॉल के बाद ट्रूडो के दफ्तर ने एक बयान में कहा, वजीर आजम और सदर ने रूस की जानिब से वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर एवियन ग्रिशकोविच की गैर कानूनी हिरासत के बारे में बात की और उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। बाइडन ने पहले ही रिपोर्टर की रिहाई का मुतालबा किया था। ट्रूडो के दफ्तर ने बताया कि अपनी टेलीफोन कॉल में ट्रूडो और बाइडन ने हिजरत और एक महफूज तीसरे मुल्क के माहदे के नफाज के बारे में भी बात की। कनाडा और रियासत हाय मुतहदा ने गुज़िश्ता माह पनाह गुजीनों के गैर सरकारी सरहदी गुजरगाहों के जरिए कनाडा में दाखिल होने वाले पनाह गुजीनों के रिकॉर्ड आमद को कम करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर 2 दहाइयों पुराने महाजरीन के माहदे को तब्दील किया। वजीर आजम के दफ्तर ने कहा कि रहनुमा तवानाई की तब्दीली टास्क फोर्स के पहले इजलास के मुंतजर थे, जो साफ बिजली और सप्लाई चेन्स पर मरकूज है।
इजरायली फोर्सेस ने मुसलसल दूसरी रात मस्जिद अक्सा में कार्रवाई करते हुए फलस्तीनियों पर हमला कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इजरायली फोर्सेस ने मुसलसल दूसरी रात मस्जिद अक्सा में कार्रवाई करते हुए फलस्तीनियों पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल दूसरी रात मस्जिद अक्सा पर छापे के बाद इलाके में कशीदगी जारी है। इजरायली फोर्सेस के माह रमजान में वहशियाना कार्रवाइयों ने फलस्तीनियों के इश्तियाल को मजीद बढ़ा दिया है। मुसल्ला पुलिस ने सिटन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करते हुए फलस्तीनी नमाजियों पर रबर की कोटेड स्टील की गोलियां बरसाई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में मुसल्ला फौजियों को मस्जिद को नमाजियों से ज़बरदस्ती खाली करते हुए दिखाया गया है। इजरायली फोर्सेस ने बुध के रोज़ एहतजाज करने वाले फलस्तीनियों पर आंसू गैस फायर किए और हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जबकि इस दौरान 4 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। बुध और जुमेरात की दरमियानी शब दर्जनों इजरायली फौजियों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर यरगाल की, जबकि इससे कबल फोर्सेस ने नमाज फजर के लिए आने वालों को भी मस्जिद में दाखिले से रोक दिया, जिसके बाइस सैकड़ों अफराद ने मस्जिद अक्सा के आसपास नमाज फजर अदा की। गुज़िश्ता रोज़ भी इजरायली पुलिस ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दर्जनों नमाजियों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में मुतादित अफराद जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की वहशियाना कार्रवाइयों के रद्द अमल में फलस्तीनी ग्रुप ने गजा की पट्टी से मुतादित रॉकेट फायर किए, जिसमें से 2 बहिरे रूम और 5 इजरायल की तरफ फायर किए गए। दूसरी जानिब मलेशिया ने इजरायली फोर्सेस की मस्जिद अक्सा में कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है और आलमी बिरादरी से इजरायल के एहतसाब का मुतालबा किया है। मलेशियन हुकाम ने कहा कि मस्जिद अक्सा में इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई गैर कानूनी और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है। खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल ने मुतहदा अरब अमारात और चीन की दरख्वास्त पर यह इजलास तलब किया है। अलावा अजीज चीन और मुतहदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वामे मुत्तहिदा का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया है, जिसमें फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। याद रहे कि अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ भी इजरायली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर की थी। बैतुलमुक़दस और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 38 और मुखालफत में 4 वोट पड़े, जबकि 5 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के खिलाफ करारदाद की मुखालफत करने वाले 4 मुल्कों में अमरीका और बरतानिया भी शामिल थे। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों से आने वाली तबाही में मजीद 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों से आने वाली तबाही में मजीद 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमरीका में तूफानी बगोलों से आने वाली तबाही में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि घरों की छतें भी गिर गईं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक रियासत आर्कनसास, एलोवाय और मिसौरी समेत दीगर अमरीकी रियासतों में तूफान से तबाही का सिलसिला जारी है। तूफान के 22 हजारों अफराद बेघर हो गए। तूफान से 87 इमारतों को नुकसान पहुंचा, जबकि 12 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते भी मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में तूफान से 32 अफराद जान की बाजी हार गए थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दर्जनों अफराद जख्मी हैं। बगोलों से 85 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 9 लाख सार्फीन बिजली की सहूलत से महरूम है। टैग TV के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग TV। Thank you.